संगीत के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। संगीत जिसे अंग्रेजी में म्यूजिक कहते हैं, बिहार बोर्ड के द्वारा 12वीं कक्षा के लिए जारी की गई मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, राग की कितनी जातियां होती है? संगीत का पहला प्रश्न है, राग की कितनी जातियां होती है? आपका उत्तर होगा तीन, एक का उत्तर डी होगा। दूसरा है, ताल कहरवा में कितनी मात्राएं होती है? ताल कहरवा में कितनी मात्राएं होती है? उत्तर होगा आठ, दो का उत्तर डी होगा। तीसरा है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किस विधा के लिए जाने जाते हैं? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किस विधा के लिए जाने जाते हैं? उत्तर होगा गायन, तीन का उत्तर सी होगा। चौथा प्रश्न है, कौन सा राग प्रातः काल में गाया जाता है? कौन सा राग प्रातः काल में गाया जाता है? आपका उत्तर होगा भैरव, चार का उत्तर डी होगा। पांचवा प्रश्न है, चार ताल में कितने विभाग होते हैं? चार ताल में कितने विभाग होते हैं? उत्तर होगा छह, पांच का उत्तर डी होगा। छठा प्रश्न है, सम किसे कहते हैं? सम किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा ताल की प्रथम मात्रा को, ताल की प्रथम मात्रा को सम कहते हैं, मतलब छठा का उत्तर ए होगा। सातवां प्रश्न है, राग विहाग किस राग थाट का राग है? सातवां प्रश्न है, राग विहाग किस ठात का राग है? आपका उत्तर होगा विलावल, मतलब सात का उत्तर बी होगा। आठवां प्रश्न है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? आठवां प्रश्न है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर होगा कंपन से, आठवां का उत्तर सी होगा। नौवां प्रश्न है, संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? उत्तर होगा दो, नौ का उत्तर होगा ए। दसवां प्रश्न है, विदुषी गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित थी? विदुषी गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित थी? उत्तर होगा बनारस घराना, दसवां का उत्तर बी होगा। ग्यारहवां प्रश्न है, किस राग में रे ग ध नी कोमल स्वर का प्रयोग होता है? किस राग में रे ग ध नी कोमल स्वर का प्रयोग होता है? उत्तर होगा भैरवी राग में, 11 का उत्तर सी होगा। बारहवां प्रश्न हो गए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा एटा, 12 का उत्तर डी होगा। 13 है, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा महाराष्ट्र, मतलब 13वां प्रश्न का उत्तर डी होगा। 14 प्रश्न है, डागर बंधु किस गायन शैली से संबंधित है? डागर बंधु किस गायन शैली से संबंधित है? उत्तर होगा ध्रुवपद, 14 का उत्तर ए होगा। 15वां प्रश्न है, सोनाल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? सोनाल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? इसका सही उत्तर होगा भरतनाट्यम, क्योंकि ऑप्शन में भरतनाट्यम नहीं है तो यहां आप ओडिसी दे सकते हैं, क्योंकि भरतनाट्यम के अलावे सोनाल मानसिंह ओडिसी से भी संबंधित थी। 16वां प्रश्न है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? उत्तर होगा 22, मतलब 16 का उत्तर ये होगा। 17वां प्रश्न है,
किस ताल में 14 मात्राएं होती है, किस ताल में 14 मात्राएं होती है, उत्तर होगा धमार ताल। 18वां नंबर प्रश्न है, राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है, राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है, उत्तर होगा कल्याण। 18 का उत्तर ए होगा। 19वां प्रश्न है, पंडित निखिल बनर्जी क्या बजाते थे, उत्तर होगा सितार, मतलब 19 का उत्तर भी होगा। 20वां प्रश्न है, रूपक ताल का खाली किस मात्रा पर लगता है, रूपक ताल का खाली किस मात्रा पर लगता है, तो आपको बता दे कि रूपक ताल में कोई खाली नहीं होती। सही उत्तर होगा रूपक ताल में कोई खाली नहीं होती है, यहां चारों ऑप्शन गलत है। 21वां प्रश्न है, राग विहाग का वादी स्वर क्या है, राग विहाग का वादी स्वर क्या है, आपका उत्तर होगा ग। 21 का उत्तर ए होगा। 22वां प्रश्न है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है, उत्तर होगा 12, मतलब 22 का उत्तर भी होगा। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस ताल में 8 मात्राएं होती है, किस ताल में 8 मात्राएं होती है, उत्तर होगा कहरवा, 23 का उत्तर भी होगा। 24वां प्रश्न है, ध्रुवपद में किस ताल का प्रयोग होता है, ध्रुवपद में किस ताल का प्रयोग होता है, उत्तर होगा चौताल, मतलब 24वां नंबर प्रश्न का उत्तर होगा बी। 25वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं, उत्तर होगा 10, 25 का उत्तर होगा सी। 26वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दो मध्यम लगते हैं, निम्नलिखित रागों में से किसमें दो मध्यम लगते हैं, आपका उत्तर होगा यमन या कल्याण, लेकिन यहां पर किसी भी ऑप्शन में 26 प्रश्न का यमन या कल्याण नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है। 27वां प्रश्न है, पखवाज वाद कौन सी श्रेणी में आता है, पखवाज एक वाद्य यंत्र है, वह किस श्रेणी में आता है, आपका उत्तर होगा अवनध। 27 का उत्तर भी होगा। 28वां प्रश्न है, पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य बजाते थे, पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य बजाते थे, सही उत्तर होगा मोहन बीना। 28वां प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहन बीना, लेकिन यहां मोहन बीना नहीं है, तो आप यहां गिटार दे सकते हैं। 29वां प्रश्न है, राग भैरव का वादी स्वर क्या है, 29वां प्रश्न है, राग भैरव का वादी स्वर क्या है, उत्तर होगा घ। 1 का उत्तर होगा ए, सॉरी 29 का उत्तर होगा ए। 30वां प्रश्न है, राग भीम पलासी किस थाट का राग है, राग भीम पलासी किस थाट का राग है, उत्तर होगा काफी, 30 का उत्तर होगा सी। 31वां प्रश्न है, संगीत में कितने वर्ण होते हैं, 31वां प्रश्न है, संगीत में कितने वर्ण होते हैं, आपका उत्तर होगा 4, 31 का उत्तर ए होगा। 32वां प्रश्न है, पंडित कृष्ण राव किस घराने से आते हैं, पंडित कृष्ण राव किस घराने से आते हैं, आपका उत्तर होगा ग्वालियर, 32 का उत्तर बी होगा। 33वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर का प्रथम अध्याय है, उत्तर होगा स्वाध्याय, 33वां का उत्तर सी होगा। 34 प्रश्न है, राग तिलक कामोद का वादी स्वर क्या है, राग तिलक कामोद का वादी स्वर क्या है, आपका उत्तर होगा ऋषभ, 34 का उत्तर ये होगा। 35वां प्रश्न है, राग मालकौश में वर्जित स्वर क्या है, राग मालकौश में वर्जित स्वर क्या है, उत्तर होगा रे और प, 35 का उत्तर भी होगा। 36 प्रश्न है, राग तिलंग किस थाट का राग है, राग तिलंग किस थाट का राग है, उत्तर होगा खमाज, 36 का उत्तर भी होगा।
37 प्रश्न है, किस ताल की उत्पत्ति कैसे हुई है, ताल की उत्पत्ति कैसे हुई है, उत्तर होगा तालियों से, 37 का उत्तर होगा सी। 38 प्रश्न है, ताल धमार में कितने विभाग होते हैं, ताल धमार में कितने विभाग होते हैं, 38 का उत्तर होगा बी 3। 39 प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस लिए जाने जाते हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस लिए जाने जाते हैं, उत्तर होगा गायक के लिए, 39 का उत्तर ये होगा। 40वां प्रश्न है, सूल ताल में कितनी मात्रा होती है, सूल ताल में कितनी मात्रा होती है, उत्तर होगा 10, 40 का उत्तर होगा बी। 41वां प्रश्न है, औडव साडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, औडव साडव जाति के राग में कितने मात्रा लगते हैं, उत्तर होगा 5 या 5-5। 41 का उत्तर होगा सी। 42, उस्ताद अली अकबर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, उस्ताद अली अकबर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, उत्तर होगा सरोद, 42 का उत्तर होगा सी। 43, आरा चार ताल में कितनी मात्राएं होती है, आरा चार ताल में कितनी मात्राएं होती है, उत्तर होगा 14, 43 का उत्तर होगा डी। 44, राग केदार की जाति क्या है, राग केदार का जाति क्या है, उत्तर सही उत्तर होगा औडव शाडव, औडव शाडव, लेकिन यहां कोई भी ऑप्शन औडव शाडव नहीं है, मतलब 44 प्रश्न का चारों ऑप्शन गलत है, सही उत्तर होगा औडव शाडव। 45वां प्रश्न है, राग मालकौश का वादी स्वर क्या है, राग मालकौश का वादी स्वर क्या है, उत्तर होगा म, 45 का उत्तर होगा बी। 46वां प्रश्न है, राग काफी का समवादी स्वर क्या है, राग काफी का समवादी स्वर क्या है, उत्तर होगा सा, 46 का उत्तर होगा डी। 47 है, राग खमाज की जाति क्या है, राग खमाज की जाति क्या है, उत्तर होगा साडव संपूर्ण, साडव संपूर्ण, मतलब 47वां प्रश्न का उत्तर होगा बी। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं, उत्तर होगा राग विहाग में, मतलब विहाग में, 48 का उत्तर होगा सी। 49 प्रश्न है, राग देश का समवादी स्वर क्या है, राग देश का समवादी स्वर क्या है, उत्तर होगा प, 49 का उत्तर होगा बी। 50वां प्रश्न है, राग कामोद किस जाति का राग है, राग कामोद किस जाति का राग है, उत्तर होगा संपूर्ण संपूर्ण या संपूर्ण। 51 प्रश्न है, राग बागेश्वरी किस थाट का राग है, राग बागेश्वरी किस थाट का राग है, उत्तर होगा काफी, 51 का उत्तर होगा सी। 52 प्रश्न है, राग कामोद का वादी स्वर क्या है, राग कामोद का वादी स्वर क्या है, उत्तर होगा प या पा, 52 का होगा उत्तर डी। 53 है, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन है, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध शहर कौन है, उत्तर होगा बनारस, 53 का उत्तर होगा सी। 54 प्रश्न है, साडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, साडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, उत्तर होगा 6, 54 का उत्तर बी होगा। 55 प्रश्न है, स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया, स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया, उत्तर होगा पंडित भारत खंडे, 55 का उत्तर होगा ए। 56 प्रश्न है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है, उत्तर होगा 7, 56 का उत्तर होगा बी। 57 प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने ठात हैं, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने ठाट हैं, उत्तर होगा 10, उत्तर 57 का बी होगा। 58 प्रश्न है, राग देश किस ठाट से उत्पन्न हुआ है, राग देश किस ठाट से उत्पन्न हुआ है, उत्तर होगा खमाज, 58 का उत्तर होगा सी।
59वां प्रश्न है, राग सूचक स्वर समुदाय को क्या कहते हैं? राग सूचक स्वर समुदाय को क्या कहते हैं? उत्तर होगा पकर। 59 का उत्तर होगा सी। 60वां प्रश्न है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? उत्तर होगा 7। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? उत्तर होगा 7, मतलब 60वां प्रश्न का उत्तर होगा सी। 61वां प्रश्न है, तानसेन ध्रुपद की किस वाणी के गायक थे? तानसेन ध्रुपद के किस वाणी के गायक थे? उत्तर नवहार वाणी। 61 का भी उत्तर होगा। 62वां प्रश्न है, फयाज खान किस घराने के गायक हुए? फयाज खान किस घराने के गायक हुए? उत्तर होगा आगरा घराना। 62वां का उत्तर होगा डी। 63 प्रश्न है, राग भूपाली में कौन से दो स्वर नहीं लगते हैं? राग भूपाली में कौन से दो स्वर नहीं लगते हैं? उत्तर होगा म और नी। 63 का उत्तर होगा सी। 64वां प्रश्न है, राग मालकौश किस जाति का राग है? राग मालकौश किस जाति का राग है? 64 का उत्तर होगा ए, औडव। 65वां प्रश्न है, मियां तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? उत्तर होगा अकबर। 65 का उत्तर होगा बी। 66वां प्रश्न है, आशावरी थाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है? उत्तर होगा जौनपुरी। 66 का उत्तर होगा ए। 67, राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? उत्तर वर्जित स्वर। 68वां प्रश्न है, चार ताल में कितनी तालियां होती है? उत्तर होगा 4। 68 का उत्तर होगा बी। 69वां प्रश्न है, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? उत्तर होगा 3। 69 का उत्तर होगा बी। 17 प्रश्न है, राग केदार किस थाट का राग है? राग केदार किस थाट का राग है? 70 का उत्तर होगा बी, कल्याण ठाट का। तो ये रहा म्यूजिक के 17 बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर। आप लोग इसको गौर से सुन लेंगे। और एक विशेष बात बता दें कि हमारे संस्थान के द्वारा म्यूजिक का जो गेस पेपर निकाला जाता है उसके पेज नंबर 3, 4 और 5 इस मोड बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर निकाला है उसके लगभग 32 से 35 प्रश्नों का उत्तर हमारे संस्थान के द्वारा जारी किए गए म्यूजिक के गेस के 3, 4 और 5 नंबर पेज से हूबहू मिल रहे हैं। तो गौर से जो बच्चे हमारे संस्थान के म्यूजिक गेस लिए हैं उसके पेज नंबर 3, 4 और 5 पर ध्यान देंगे, निश्चित तौर पे आप 3 पेज को पढ़कर 35 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।